नमस्कार। आखिरकार सिंघाना पुलिस ने खानपुर में महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सबसे आखिर में मुख्य आरोपी हिस्ट्री सीटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। वहीं उनके साथ ही 10,000 रुपये के इनामी बदमाश नोरंग लाल को भी साथ में गिरफ्तार किया है। बता दूं कि सिंघाना के खानपुर में बदलापुर की कहानी को आखिरकार पुलिस ने अंजाम तक पहुंचा दिया। सिंघाना पुलिस ने रेंज स्तरीय इनामी बदमाश हिस्ट्री सीटर उमेश यादव और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जयपुर में नांगल पुलिया से आरोपी और उसके साथी को दस्तयाब कर लिया। अब पुलिस ने प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरा मामला बता दूं कि झुंझुनू पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। कुछ दिन पूर्व सिंघाना थाने के खानपुर में हुई बदलापुर फिल्म जैसी कहानी को पुलिस ने अंजाम तक पहुंचा दिया। घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या करने की मुख्य आरोपी हिस्ट्री सीटर उमेश यादव को पुलिस ने धर दबोच लिया। दरअसल हिस्ट्री सीटर उमेश यादव ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जेल में बंद अपने पिता की हत्या के आरोपी वेद प्रकाश की पत्नी सजना देवी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में हिस्ट्री सीटर के अन्य कुछ साथी भी शामिल थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक अन्य आरोपी को और अब दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर के जरिए सूचना पर पुलिस रेंज ने 20,000 के इनामी बदमाश उमेश यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ करीब 2 दर्जन थानों में मामला दर्ज है। वहीं 10,000 रुपये के इनामी बदमाश नोरंग लाल को भी जयपुर में गिरफ्तार कर लिया। महिला सजना देवी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 18 मई को अपने उमेश HS उसने और उसके सहयोगियों द्वारा सजना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें 4 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कल रात्रि को 2 मुलजिम जो मुख्य आरोपी उमेश है, जो 20,000 का इनामी है, और उसका सहयोगी और रिश्तेदार जिस पर 10,000 रुपये का इनाम है, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। उनके लगातार पीछे टीमें लगी हुई थी। वो पहले ऋषिकेश गए, उसके बाद में वापस दिल्ली होते हुए और भोपाल पहुंच गए थे। उनको आवाज़ हुआ कि टीमें अपने पीछे लगी हुई हैं, इसलिए वो वापस जयपुर आ रहे थे। इस दौरान उनको जयपुर से मैं और मेरी टीम द्वारा उनको जयपुर से दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया है। उमेश जो HS है उसके 21 मुकदमे पूर्व के हैं, जो हत्या, लूट, डकैती, चोरी और धोखाधड़ी और फर्जी कागजात तैयार करने के मुकदमे हैं, तथा उसका जो रिश्तेदार है उसके 4 मुकदमे हैं जो मारपीट और शराब, अवैध शराब रखने के मुकदमे दर्ज।